वालेकुम सलाम मैम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। मैम आपकी आवाज़ ना हल्की आ रही है, मतलब सो है। आ रही है वॉइस? यस मैम। क्लियर नहीं आप हमको? मैम क्लियर है लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो है, लाइक ऐसा से बहुत पीछे से आ रही हूँ। आप ठीक है? यस मैम बेहतर है मैम। बेटर है, ठीक है। डिस्टॉर्शन तो नहीं है ना, बाकी ये है कि वॉइस तो नो मैम, डिस्टॉर्शन नहीं है। ठीक है जी, किसी ने कुछ पूछना है लास्ट लेक्चर में से? कोई बता सकता है हमें लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? यस मैम, मैम हमने बेसिकली शोल्डर ज्वाइंट पढ़ा था, और इसमें हमने पढ़ा था कि शोल्डर गर्डल में और मतलब शोल्डर ज्वाइंट जो मेन है वो हमारे पास एक है, दैट इज ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट, और फाइव आर्टिकुलेशन इसकी इसमें से एक ग्लिनो ह्यूमरल और बाकी शोल्डर गर्डल में आते हैं। वो फोर है हमारे पास, स्टर्नो क्लेविकुलर है, क्रोमो क्लेविकुलर है, थोरैको क्लेविकुलर और स्कैपुलो थोरेसिक ज्वाइंट है। फिर हमने इन सबको अलग अलग सेपरेटली पढ़ा था, और उसके बाद हमने प्लेन मूवमेंट पढ़ी थी उनकी, मतलब क्लोज बैक पोजीशन, ओपन बैक पोजीशन पढ़ी थी हर ज्वाइंट की। फिर उसके बाद रोटेटर कफ मसल्स पढ़े थे, ग्लिनॉइड लैम्ब्रम के बारे में पढ़ा था, और लिगामेंट्स पढ़े थे। जी हम लोगों का जो पहला टॉपिक है दैट इज कंसर्न विद बायोमैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन अपर एक्सट्रीमिटी, इसमें हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि कौन कौन से बेसिकली ज्वाइंट्स हैं शोल्डर के अंदर, ठीक है। उसमें हमने बात की थी कि शोल्डर ज्वाइंट है और शोल्डर गर्डल है, इन दोनों को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। कि अगर हम सिर्फ बात करते हैं ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट की, तो वो आपका प्योरली जो है वो आपका शोल्डर ज्वाइंट है, और अगर हम बात करते हैं शोल्डर गर्डल की, तो उसके अंदर आपके जो स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट है, क्रोमो क्लेविकुलर ज्वाइंट है, आपका क्रैको क्लेविकुलर है, स्कैपुलो थोरेसिक है और ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट है। तो ये वाले ज्वाइंट्स हैं जो हमारे शोल्डर रीजन के अंदर आते हैं। फिर हमने बात की थी कि जो हमारा स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट है वो हमारे अपेंडिकुलर स्केल्टन को एक्सियल स्केल्टन के साथ कनेक्ट कर रहा है। इसके अलावा हमने बात की थी कि डिफरेंट फैक्टर्स हैं या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं शोल्डर ज्वाइंट को। उसमें हमने बात की थी कि लिगामेंट्स हैं हमारे जो है वो मसल्स हैं, ठीक है, जिसको आप कहते हैं कि आपके रोटेटर कफ के मसल्स हैं। इसके अलावा हमने बात की थी कि हमारे जो ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट है उसके अंदर एक नेगेटिव प्रेशर होता है, फिर हमारे कैप्सूल्स हैं, हमारा ग्लिनॉइड लैब्रम है। ये वाली जो सारी चीजें हैं ये मिलके जो शोल्डर है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही। फिर हमने बात की थी कि शोल्डर जो स्कैपुला है, ठीक है, इस पे हमारे जो मसल्स हैं, जैसे अगर हम स्कैपुला की बात करते हैं तो हमने कहा कि स्कैपुला जो है उस पे आपकी जो एलिवेशन है वो पॉसिबल है, डिप्रेशन पॉसिबल है, रिट्रैक्शन होती है, प्रोट्रैक्शन होती है। इसके अलावा जो हमारी स्कैपुला है इसमें हम जो अपवर्ड रोटेशन है और जो डाउनवर्ड रोटेशन है दैट इज पॉसिबल। इसके अलावा हमने बात की थी कि जो शोल्डर ज्वाइंट है वो बॉल एंड चोकेट वैरायटी का ज्वाइंट है। बॉल एंड चोकेट वैरायटी का मतलब है कि इससे सारी मूवमेंट्स पॉसिबल हैं, फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, एबडक्शन है, एडक्शन है। कौन कौन से मसल्स हैं जो बेसिकली फ्लेक्सर्स हैं, कौन कौन से मसल्स हैं जो बेसिकली एक्सटेंसर्स हैं, कौन से मसल जो हैं वो आपकी हॉरिजेंटल एबडक्शन को परफॉर्म कराते हैं, कौन से मसल्स हैं आपके जो आपकी हॉरिजेंटल एडक्शन को परफॉर्म कराते हैं, तो हमने जो मसल्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो ये समरी है उन मसल्स की जो शोल्डर ज्वाइंट के ऊपर एक्ट करते हैं। जैसे एबडक्शन जो है उसमें आपके सुप्रास्पाइनेटस और जो डेल्टॉइड मसल हैं दे आर इन्वॉल्व। फ्लेक्चर में हमने बात की थी कि पैक मेजर का जो क्लेविकुलर एंड होता है, ठीक है, साथ में डेल्टॉइड एंड ब्रैकोब्रैकियलिस ये फ्लेक्शन को परफॉर्म कराते हैं, और जो हमारे रोटेटर कफ के मसल्स हैं वो लैटरल और मीडियल रोटेटर्स हैं। तो रोटेटर कफ में से आपका इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर और साथ में डेल्टॉइड का पोस्टीरियर जो पार्ट है, ठीक है, जो उसके पोस्टीरियर फाइबर्स हैं बेसिकली दे आर कंसर्न्ड विद द लैटरल रोटेशन। इसी तरह से अगर हम एडक्शन की बात करते हैं तो लैटिसिमस डोर्साई, पैक मेजर, क्रैकोब्रैकियलिस, टीरिस मेजर माइनर और इंफ्रास्पाइनेटस ये एडक्शन को परफॉर्म करते हैं। एक्सटेंशन में आपके लैटिसिमस डोर्साई है, डेल्टॉइड है, टीरिस मेजर है और ट्राइसेप्स है। इसमें जो बोर्ड है वो आपके प्राइम मूवर्स हैं।
आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मसल्स को हम डिवाइड करते हैं एज ट्राइमोटर्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एगोनिस्ट हैं। फिर हम मसल्स को क्लासिफाई करते हैं एंटागोनिस्ट, साइनर्जिस्ट, फिक्सेटर्स। तो उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जो एगोनिस्ट है, जो मेन मूवर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द प्राइम मूवर्स, ठीक है। उसके अलावा जो मीडियल रोटेटर है, बेसिकली जो आपके रोटेटर कफ के मसल्स हैं, उनमें से सबस्कैपुलरिस एक मसल है जो रोटेटर कफ के अंदर आता है, जो आपका मीडियल रोटेटर है, ठीक है, जिसको हम कहेंगे कि प्राइम मूवर जो है दैट इज सबस्कैपुलरिस। उसको असिस्ट करते हैं उसके साइनर्जिस्ट हैं आपके बैक मेजर, ट्रैपीज़ियम डोर्साई, टेरिस मेजर, एडेनोइड। ये मैं इसलिए बहुत स्पीडी इसको वॉक थ्रू कर रही हूँ क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में इसको डिटेल से देख लिया। ये सारे वो मसल हैं जो हमने स्कैपुला के अंदर पढ़े थे, जो आपके पेक्टोरल रीजन के मसल्स हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्कैपुला के सब स्कैपुलर फोसा से निकलेगा, दैट इज कॉल्ड एज सबस्कैपुलरिस मसल, ठीक है। जो आपकी स्कैपुला की कोराकाइट प्रोसेस से निकलता है और ब्रेकियम पे आके अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड एज कोराकोब्रेकियलिस। इसी तरह से जो आपके जो पेक मसल्स हैं, वो आपके रिब से निकलते हैं, ठीक है, और जाके आपकी जो ह्यूमरस है उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं। सेरेटस इंटीरियर आपकी 4, 5, 6 और उसके अलावा जो आपकी सारी रिब्स हैं 9th, ठीक है, वहां से जो आपका मसल निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज सेरेटस इंटीरियर। बाइसेप ब्रेकियाई जो है, इसके 2 हेड्स हैं, ठीक है। ये सारे वो मसल्स हैं जो आपके फ्रंट, जो आपका शोल्डर गर्डल है या पेक्टोरल गर्डल है, वहां पे उनकी अटैचमेंट्स हैं। आज का बेसिक टॉपिक क्या है? स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम एंड द लोड्स ऑन द शोल्डर जॉइंट। व्हाट इज बेसिकली स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम? आप लोगों को अगर याद हो तो हम लोगों ने हमारा लास्ट लेक्चर है उसके अंदर एक वीडियो देखी, उसके उसमें हमने बात की थी कि जब भी आपकी मूवमेंट होती है ह्यूमरस की, ठीक है, तो आपकी स्कैपुला आपकी जो ह्यूमरस है उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन करती है, उसको असिस्ट करती है या उसके साथ जो है वो यूज करती है। अगर आपकी स्कैपुला ना आए तो ह्यूमरस जो एलिवेशन है, या आप कह सकते हैं कि स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम जो है वो ग्लीनो ह्यूमरल ज्वाइंट की एबडक्शन के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो अगर आपकी स्कैपुला पे मूवमेंट नहीं होगी तो आपके जो ह्यूमरस है उसकी रेंज ऑफ मोशन को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम क्या है? रेगुलर पैटर्न है आपकी स्कैपुलर मोशंस का जो कि अकंपनी करती है ग्लीनो ह्यूमरल ज्वाइंट एबडक्शन, ठीक है, कि आपकी जो स्कैपुला है उस पर मूवमेंट्स होती हैं। वो मूवमेंट्स जो जब आपका शोल्डर जॉइंट एबडक्शन में जाए या एलिवेशन में जाए तो उस टाइम पे स्कैपुला पे भी मूवमेंट आती है। स्कैपुला और ह्यूमरस एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं, सिंक्रोनाइजेशन में इनका काम होता है। इसको हम कहते हैं कि दोनों के दरमियान में एक रिथम है, ठीक है, एक परसेंटेज है, एक रेशियो के अकॉर्डिंगली मूवमेंट्स होती हैं। इसको हम कहते हैं दैट इज बेसिकली स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम। इसके अलावा हमने पढ़ना है लोड्स के बारे में। पहले हम बात करेंगे स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये बात की थी कि हमारे जो ग्लीनो ह्यूमरल मूवमेंट है, ठीक है, या ग्लीनो ह्यूमरल ज्वाइंट पे कोई भी मूवमेंट होती है, इसके सराउंडिंग में मसल हमारे जो ज्वाइंट्स हैं उनके ऊपर भी मूवमेंट्स आती हैं। जैसे हमने बात की थी कि जब मैं शोल्डर को मूव करूंगी तो मेरे स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट के ऊपर मूवमेंट आएगी, इसी तरह से मेरे लोम्बोक्लेविकुलर ज्वाइंट के ऊपर मूवमेंट आएगी, पीछे से जो मेरा स्कैपुला है उसके ऊपर मूवमेंट्स आएंगी। ये हमने लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया था और वीडियो से ज़रा क्लियर हो गया था ये। तो वही वाली सारी बातें हैं कि जब भी ह्यूमरस के ऊपर मूवमेंट होती है तो ये जो हमारे डिफरेंट ज्वाइंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, स्कैपुलोथोरेसिक ज्वाइंट है हमारा, एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट है हमारा, हमारा स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट है, इन सारे ज्वाइंट्स के ऊपर जो है वो मूवमेंट होती है। चाहे स्मॉलर मूवमेंट्स हों, कुछ डिग्रीज की मूवमेंट्स हों, बहुत अपेरेंट मूवमेंट्स ना हों, ठीक है, लेकिन मूवमेंट्स जो है वो इन सारे ज्वाइंट्स के ऊपर जो है वो होती है जब ग्लीनो ह्यूमरल ज्वाइंट के ऊपर मूवमेंट आती है, ठीक है। और जब भी हम ह्यूमरस को एलिवेट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिंपल एबडक्शन हो, ह्यूमरस की एबडक्शन के साथ हमारी जो ह्यूमरस है वो लैटरली रोटेट करती है 55 डिग्रीज। ये हमने क्लोज पैक पोजिशन के अंदर भी पढ़ा था कि आपकी जो क्लोज पैक पोजिशन है शोल्डर ज्वाइंट की, उसमें जब आप शोल्डर को एबडक्ट करते हैं तो साथ में आपका जो ह्यूमरस है वो लैटरली रोटेट करता है, ठीक है। तो एलिवेशन जो है ह्यूमरस की वो आपकी 55 डिग्री ऑफ लैटरल रोटेशन के साथ जो है वो होती है।
इसके अलावा आप जब भी आर्म को एलिवेट करते हैं, चाहे आप फ्लेक्शन में एलिवेट कर रहे हैं उसको, चाहे आप उसको एब्डक्शन में एलिवेट कर रहे हैं, तो स्कैपुला जो है वो हमारी जो टोटल ह्यूमरस की मूवमेंट है, जो टोटल मूवमेंट आती है इनो ह्यूमरल जॉइंट पे, उसको अकम्पनी करती है. ठीक है, तो वो जो अकम्पनी करना है उसका, वो जो उसकी कोऑर्डिनेशन है हमारी ह्यूमरस के साथ, दैट इज बेसिकली आवर स्कैपुलो ह्यूमरली. ठीक है, उसको हम कहते हैं कि वो हमारी जो है वो स्कैपुलो ह्यूमरली. तो ये है स्कैपुलर ह्यूमरल रिदम के रेगुलर पैटर्न क्या है स्कैपुलर रोटेशन का, जो अकम्पनी करे, जो फैसिलिटेट करे हमारी ह्यूमरल एब्डक्शन. ठीक है, जैसे आप हाथ में आपकी डायग्राम सामने देख सकते हैं कि जब ह्यूमरस एलिवेट हुई है, ठीक है, आपने एब्डक्शन को परफॉर्म किया है, तो आपकी जो स्कैपुला है इसके ऊपर मूवमेंट आई है, स्कैपुला रोटेट है, ये अकम्पनी करती है हमारी शोल्डर की एब्डक्शन को, हमारी ह्यूमरल एलिवेशन को. तो इस चीज को हम कहते हैं कि ये हमारा बेसिकली स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम. होपफुली यहाँ तक जो चीजें हैं वो आपको क्लियर हो गई. ये आप देख सकते हैं सामने आपके, जब भी आपकी जो ह्यूमरस है, ठीक है, इस पे एलिवेशन होती है, तो क्या होता है कि आपकी जो स्कैपुला है, साथ में आप देखेंगे कि ये आपका एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट और फ्रंट से आपका जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है, इन सारे जॉइंट्स के ऊपर मूवमेंट हो रही है. जैसे ही ह्यूमरस एलिवेट करती है, तो आप देखेंगे कि आपका जो क्लेविकल है वो एलिवेट करता है, और एक्रोमियोक्लेविकुलर जो जॉइंट है इसके ऊपर रोटेशन आ रही है, और साथ में आपकी जो स्कैपुला है वो रोटेट कर जाती है. तो ये बेसिकली आपका स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम है कि जब आप ह्यूमरस को एलिवेट करेंगे, तो आपके साथ में जो स्कैपुला है, जो आपके एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट्स हैं, जो आपके स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट्स हैं, इनके ऊपर जो मूवमेंट्स हैं वो आ रही है. अब समझने वाली बात क्या है कि कौन से डिग्रीज के अंदर या कितनी रेंज के अंदर आपके जो ह्यूमरस की मूवमेंट्स हैं, इसमें स्कैपुला किस हद तक कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है. तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट 30 डिग्री कि अभी आपने मूवमेंट को इनिशिएट किया, तो आप ये समझें कि उसमें स्कैपुला का इतना रोल नहीं है, वो सिर्फ आपकी जो मूवमेंट है उसका 1/5 देता है, लाइक आपके 20%. ठीक है, तो 20% जो है वो उस केस में, अगर 100 आपने किया है, तो उसका 20% जो होगा वो स्कैपुला की तरफ से होगा, कि सिर्फ उस मूवमेंट का जो 1/5 है वो स्कैपुला से आता है, मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन स्कैपुला की नहीं है अभी इनिशियल रेंजेस के अंदर. उसके बाद अब 30 से 60 तक गए, ठीक है, 30 से 60 का क्या मतलब है कि अब रेशो क्या है, अब 2:1 में काम करेगा कि ह्यूमरस का जो, अगर ह्यूमरस 2 डिग्री मूव कर रहा है तो स्कैपुला 1 डिग्री मूव करेगा. ठीक है, तो उसका हाफ जो है वो तरह की मूवमेंट होगी, कि अगर ह्यूमरस जो है वो 4 डिग्रीज में मूवमेंट करेगा तो आपकी जो स्कैपुला है उस पर 2 डिग्रीज मूवमेंट होगी. उसके बाद जब आप 60 तक चले गए हैं, तो 60 से जो 120 की मूवमेंट है, इसमें दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन सेम है, कि अगर 1:1 स्कैपुला से आएगा तो 1:1 ही ह्यूमरस जो है भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेगी उस मूवमेंट के. उसके बाद जब आप ओवरहेड गए हैं दोबारा से 120 to 180, तो फिर आपकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो दोबारा से 2:1 में आएगी. ठीक है, कि आपका जो ह्यूमरस है वो ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है एज कम्पेयर टू स्कैपुला. तो ये बेसिक है स्कैपुलर ह्यूमरल रिदम के, फर्स्ट 30 डिग्री तक 9 मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम स्कैपुला, आपके जो 1/5 मूवमेंट है सिर्फ वो स्कैपुला से है, लाइक 20%, कि हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दें उस मूवमेंट को, तो वो आपको 20% बनता है. इस तरह से 30 to 60 तक जो है, तो उसमें 2:1 है, कि 2 डिग्री अगर ह्यूमरस से मूवमेंट हो रही है तो 1 डिग्री मूवमेंट आएगी स्कैपुला के ऊपर. उसके बाद 60 से जो 120 की मूवमेंट है, दोनों की सेम कॉन्ट्रीब्यूशन है, 1:1 में दोनों काम करते हैं, और फिर अगेन 120 से जो 180 की मूवमेंट है उसमें आप भी 2:1 है. तो दिस इज बेसिकली अ स्कैपुलर ह्यूमरल रिदम. इसमें ये जो आपका टेबल है उसको एक्सप्लेन किया, एज द आर्म इज एलिवेटेड इन बोथ एब्डक्शन एंड फ्लेक्शन, रोटेशन ऑफ स्कैपुला अकाउंट फॉर पार्ट ऑफ टोटल ह्यूमरल रेंज ऑफ मोशन. ठीक है, फर्स्ट 30 डिग्री में ये कॉन्ट्रीब्यूट करती है जस्ट अबाउट 1/5, जैसे जैसे एलिवेशन प्रोसीड करती है बियॉन्ड 30, स्कैपुला रोटेट करती है अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री फॉर एवरी 2 मूवमेंट ऑफ द स्कैपुला ह्यूमरस. मैंने अभी बात की कि 30 से 60 के दरमियान में 1:2 है, कि 2 डिग्री जो 2:1 आप उसको कहें, कि जो 2 डिग्री मूवमेंट है आपकी ह्यूमरस की, उसके रिजल्ट में सिर्फ 1 डिग्री मूवमेंट आएगी आपकी स्कैपुला के ऊपर. ठीक है, तो स्कैपुलर ह्यूमरल रिदम बेसिकली अनेबल करता है कि आपकी जो
मूवमेंट्स हैं वो ज्यादा आए एज कम्पेयर टू के स्कैपुला फिक्स हो. अगर स्कैपुला फिक्स होगी तो मूवमेंट कम्प्लीट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि रेंज ऑफ मोशन जो है वो कम्प्लीट नहीं हो सकती. तो उस केस में स्कैपुलोहुमेरलिज्म अनेबल करता है कि हमारी रेंज ऑफ मोशन जो है उसको कम्प्लीट किया जा सके. ये सामने जो आपके डायग्राम है इसका मतलब ये नहीं है कि इनिशियल जो 60 डिग्री की मूवमेंट है वो स्कैपुला से होती है और बाकी की जो मूवमेंट है वो आपकी ह्यूमरस से होती है. इसका मतलब ये है कि आपकी जब 180 डिग्री की मूवमेंट होती है तो उसके अंदर 60 डिग्री जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपकी स्कैपुला की है और जो 120 डिग्री की कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ह्यूमरस की है, ठीक है. इससे हरगिज आपने ये नहीं इसको कंसिडर करना कि जब मूवमेंट इनिशिएट होती है तो फर्स्ट 60 डिग्री जो है वो स्कैपुला इनिशिएट करेगा और बाकी की जो मूवमेंट है वो आपकी ह्यूमरस ही इनिशिएट होगी, ऐसा नहीं है. ये सिर्फ आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि अगर 180 डिग्री मूवमेंट होती है हमारी शोल्डर ज्वाइंट के ऊपर तो उसमें से 60 डिग्री जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हमारी स्कैपुला की है, ठीक है, और जो 120 डिग्री मूवमेंट है वो आपकी ह्यूमरस की है. तो ये बेसिकली हमारा स्कैपुलोहुमेरल रिदम है. किसी को इसमें से कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछते अभी. मैम एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे. मैं इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ. इसके अलावा कोई इश्यू तो नहीं है किसी को इसमें? हम बात कर रहे हैं बेसिकली स्कैपुलोहुमेरल रिदम, नाम ही बता रहा है, स्कैपुला और ह्यूमरस का आपस का रिदम, आपस की सिंक्रोनाइजेशन, कि आपस में किस तरह से एक दूसरे के साथ ये काम करते हैं. वो ये कहते हैं कि हमारी जो स्कैपुला है वो असिस्ट करती है या हमारी जो ह्यूमरस की रेंज ऑफ मोशन है उसको कम्प्लीट करने में, ठीक है, हमारी जो स्कैपुला है उसका रोल है. रोल इस तरह से है कि अगर आपकी स्कैपुला अफेक्ट हो, स्कैपुला फिक्स हो जाए, तो फिक्स अगर स्कैपुला होती है तो रेंज ऑफ मोशन कम्प्लीट नहीं होती. तो ये कहते हैं कि जब भी हम एलिवेशन करते हैं ह्यूमरस के ऊपर तो हमारी स्कैपुला जो है वो साथ में असिस्ट करती है ताकि रेंज ऑफ मोशन को कम्प्लीट किया जा सके. तो स्कैपुलोहुमेरलिज्म ये कहता है कि जो इनिशियल 30 डिग्रीज होती है उसमें स्कैपुला की इतनी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है. उस टाइम पे जो फर्स्ट 30 डिग्री है स्कैपुला सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूट करती है 1/5 ऑफ द टोटल मूवमेंट, लाइक 20% ऑफ द टोटल मूवमेंट, ठीक है. उसके बाद 30 से जो 60 की डिग्री है, ठीक है, दिस इज 90 और यहाँ नीचे जो है दैट इज 60, जो 60 डिग्रीज तक है आपकी ह्यूमरस की मूवमेंट, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें डोनर की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 2:1 में आती है. कि अगर सपोज ह्यूमरस जो है वो 2 डिग्रीज तक मूव कर रहा है तो स्कैपुला जो है वो आपका सिर्फ 1 डिग्री मूवमेंट देगा, ठीक है, डिग्री मूवमेंट पे स्कैपुला की तरफ से 1 डिग्री मूवमेंट आई. फिर ऊपर 60 से 120 तक की जो मूवमेंट है इसमें दोनों का रेशो सेम है, ठीक है, कि 1 डिग्री मूवमेंट अगर स्कैपुला पे होती है तो 1 डिग्री मूवमेंट ही ह्यूमरस के ऊपर होती है. फिर जो ओवरहेड मूवमेंट है, ठीक है, 120 से 180 तक बिल्कुल ओवरहेड जो मूवमेंट है उसमें दोबारा से आपकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 2:1 में आएगी, कि 1 डिग्री जो मूवमेंट है वो स्कैपुला की है और 2 डिग्री की जो मूवमेंट है वो आपके शोल्डर ज्वाइंट की है, वो ह्यूमरस के ऊपर है. तो ये बेसिकली आपका स्कैपुलोहुमेरल रिदम. क्लियर है अब? यस मैम. ठीक है, उसके बाद हमने बात करनी थी शोल्डर कॉम्प्लेक्स. ये दोनों वही चीजें हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब आप आर्म को एलिवेट करते हैं 90 डिग्री तक तो आपकी जो स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट है उसके ऊपर रोटेशन आती है, एलिवेशन आती है, ठीक है, 35 से 45 डिग्री की क्लेविकल जो है वो एलिवेट करती है. इसी तरह से जब आप ह्यूमरस को एलिवेट करते हैं तो आपका जो एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट है इसके ऊपर रोटेशन आती है. ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पे वीडियो है उससे बड़ा अच्छा देखा था कि जब आप ह्यूमरस को एलिवेट करते हैं तो पूरा जो एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट है उस पर रोटेशन आ जाती है. तो ये मूवमेंट है हमारे शोल्डर कॉम्प्लेक्स. जो हमारी ह्यूमरस है इसकी जो मूवमेंट्स हैं वो फर्दर फैसिलिटेट होती हैं हमारी स्पाइन की वजह से भी. क्यों? क्योंकि हमने बात की थी कि स्कैपुलो थोरेसिक एक ज्वाइंट है, कि स्कैपुलो थोरेसिक ज्वाइंट में आपकी सारी थोरेसिक वर्टिब्राज आ जाती है. तो स्पाइन अगर फ्लेक्सिबल है, स्पाइन की अगर मूवमेंट्स अच्छी हैं, स्पाइन रिजिड नहीं है, तो ये चीज़ भी हमारी जो शोल्डर है उसकी मूवमेंट्स को फर्दर फैसिलिटेट कर देता है, ठीक है. और अगर आपने हाथ में कुछ उठाया हुआ है, आपने कोई लोड उठाया होगा, तो उस टाइम पे ये जो मूवमेंट्स हैं इनमें ऑल्ट्रेशन आ सकती हैं और ऑल्ट्रेशन आती हैं, ठीक है, नॉर्मल मूवमेंट करने में और साथ में किसी वेट के साथ मूवमेंट करना, वेट को उठाना,
तो ये वाली जो चीजें हैं ये हमारी जो स्कैपुलर न्यूट्रल रिदम है इसको ऑल्टर कर सकती हैं, क्योंकि आप लोगों ने ये लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि जब भी हम कुछ लिफ्ट करते हैं, लाइक आप कुछ ब्रीफ केस लिफ्ट कर रहे हैं या आप कोई बैग उठा रहे हैं, तो उस टाइम पे फिर स्कैपुला जो है वो स्टेबलाइज भी करती है आपके शोल्डर को, ठीक है। तो उस केस में आपका जो स्कैपुलर न्यूट्रल जो रिदम है उसमें थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन आ सकती है। इसके अलावा जो हमारे पैटर्न है स्कैपुलर मूवमेंट्स के, वो चिल्ड्रन में और अडल्ट में जो है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आती है हमारे जो स्कैपुलर थोरेसिक ज्वाइंट है, इससे स्कैपुला ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती है एज कम्पेयर टू के हमारी जो नॉर्मल ह्यूमरल एलिवेशन हो रही है जिसमें हमने बात की थी कि ह्यूमरस ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। लेकिन चिल्ड्रंस के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे वो अभी बड़े हो रहे हैं तो चिल्ड्रन के अंदर एज कम्पेयर टू एडल्ट हमारा ये जो पीछे स्कैपुलोथोरेसिक ज्वाइंट है ये ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है। फिर जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपकी जो स्कैपुलर रोटेशन है वो थोड़ी सी लिमिटेड होना शुरू हो जाती है, नॉर्मल फिनोमिना है, ठीक है। कि एज के साथ साथ जो स्कैपुला की रोटेशन है वो कम होगी, ठीक है, और साथ में जो पोस्टीरियर टिल्टिंग है स्कैपुला की वो भी कम हो जाएगी। जी तैयबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम, हमारा शोल्डर 120 से 180 डिग्री में अबडक्शन कैसे कंप्लीट करता है? क्या चीज 160 से 180 में अबडक्शन कैसे कंप्लीट करेगा? 120 से 180 तक जब जाएगा तो कैसे अबडक्शन कंप्लीट होगी? उसमें एक्रोमेंट की वजह से हिंडस नहीं आएगी? नहीं बेटा, एक्रोमिक क्लेविकुलर जॉइंट रोटेशन आ जाती है ना, इससे वो हिंडस कॉज नहीं करता। आपने लास्ट लेक्चर वाली जो वीडियो थी वो नहीं देखी थी? देखी थी। तो उसमें आपने देखा नहीं था कि जब हम कंप्लीट मूवमेंट कर रहे थे तो हमारा एक्रोमियम जो है वो रोटेट कर रहा था, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट पे नॉर्मल रोटेशन आती है। फिर क्या होता है, जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनमें आप लोगों ने नॉर्मल पढ़ा होगा कि जब भी आप मूवमेंट्स करते हैं तो एसेसरी मूवमेंट्स आते हैं, मोबिलाइजेशन में और काइनी में आप लोगों ने इस बारे में पढ़ा होगा कि जब हम नॉर्मल मूवमेंट्स करते हैं तो ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग मूवमेंट्स आती है हमारे जॉइंट्स के ऊपर, जिनको हम एसेसरी मूवमेंट्स कहते हैं। ये पार्ट है आपके काइनी 1 और काइनी 2 में भी। तो वो जो एसेसरी मूवमेंट्स हैं ये वही ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग और रोटेटरी मूवमेंट्स हैं हमारे जॉइंट्स के ऊपर। अक्सर पेशेंट्स में क्या होता है कि किसी इंजरी की वजह से या वो काफी हद तक काफी अर्से से इमोबिलाइज हैं, उन्होंने जैसे कास्ट वगैरह पहनते हैं, कोई फ्रैक्चर हो गया खुदा ना खास्ता, तो आपने स्लिंग लगा दिया तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रही, मूवमेंट नहीं हो रही तो ये एरिया रिजिड हो गया, ठीक है, स्टिफ हो गया। अब स्टिफ हो गया तो क्या होगा, नॉर्मल ग्लाइडिंग स्लाइडिंग नहीं होगी। आप देखेंगे उनका हाथ ऊपर जाएगा ही, क्योंकि जब ऊपर करेंगे तो इम्पिंजमेंट कॉज करेगा, एक्रोमिक क्लेविकुलर जॉइंट जो है वो प्रॉब्लम कॉज करेगा। हम नॉर्मल बायोमैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपके पास पेशेंट्स आते हैं इस चीज के भी कि जब वो ऊपर हाथ उठाते हैं तो यहाँ पे स्टक हो जाता है। क्यों स्टक होता है? क्योंकि नॉर्मल जो एक ग्लाइडिंग मूवमेंट थी वो नहीं आई, ठीक है। नॉर्मली जब हम उठाते हैं, जैसे मैं उसको लिफ्ट कर रही हूँ, तो मेरी एक्रोमियम जो है वो रोटेट कर रही है, उस पर रोटेशन आ रही है। जब उस पर रोटेशन आती है तो ऑटोमेटिकली जो मेरी रेंज है मेरे शोल्डर ज्वाइंट की वो कम्प्लीट हो जाती है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? अच्छा, ये मूवमेंट है स्कैपुला की जिनको हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि एलिवेशन है, डिप्रेशन है, एडक्शन है, एबडक्शन है, अपवर्ड रोटेशन है और डाउनवर्ड रोटेशन है, और इनको कौन कौन से मसल्स कराते हैं हमने लास्ट लेक्चर में बात की। अब मसल्स जो हैं स्कैपुला के जो मेन मसल्स हैं वो आपके एलिवेटर स्कैपुली है, आपके दोनों रिम्बॉइड्स हैं मेजर एंड माइनर, स्ट्रैटस इंटीरियर है, पेक माइनर है, सबक्लेविस है और ट्रेपेजियस के 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। ये सारे मसल्स जो हैं ये हमारे स्कैपुला के मसल्स हैं जो बेसिकली मूवमेंट के लिए आप कहें कि फोर्स को एग्जर्ट करते हैं, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये फोर्स एग्जर्ट करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं हमारे शोल्डर रीजन को जब भी हमने किसी चीज को लिफ्ट करना, ठीक है। तो इनका क्या फंक्शन है कि जब हमारा शोल्डर कॉम्प्लेक्स लोडेड है कि मैंने हाथ में कुछ भी उठा लिया, कोई भी ब्रीफ केस है, कोई बैग है, कोई भी वेट है, कोई लोड है, मैंने कुछ भी लिफ्ट किया है, तो उसके केस में जो मेरे शोल्डर को स्टेबलाइज करेंगे वो मेरे स्कैपुलर मसल्स होंगे। कौन कौन से मसल्स हैं? रिम्बॉइड्स हैं, लीवर स्कैपुली है, स्ट्रैटस इंटीरियर है, पेक माइनर, सबक्लेवियस और मेरे चारों पार्ट्स जो हैं ट्रेपेजियस के। इसके अलावा मेरी जो ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट की मूवमेंट है उसको ये फैसिलिटेट कर, क्योंकि मैंने अभी बात की स्कैपुलोह्यूमरल रिदम है, आपकी जो ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट है उसकी मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है आपका स्कैपुला, ठीक है। तो ये जो है ये काम है आपके मसल्स ऑफ स्कैपुला का। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जो रोमॉइड्स हैं, ट्रेपीजियस हैं, एलिवेटर स्कैपुली हैं, दे आर द एलिवेटर्स। इसी तरह से ट्रेपीजियस और पेक माइनर जो हैं
ये अपर फाइबर्स होते हैं, ठीक है, और ये लोअर फाइबर्स एंड पीसेस, ये आपके आप कहीं के डिप्रेशन में। इसके अलावा जो रेमबॉइड्स हैं, जो पीसेस हैं, लीवर जो स्कैपुलिन हैं, दे आर द रिट्रैक्टर्स। इसी तरह से जो स्ट्रैटस इंटीरियर है और बैक माइनर है, दे आर द प्रोट्रैक्टर्स। ट्रेपीजियस और सीराटस इंटीरियर जो है ये अपर रोटेशन भी कराता है स्कैपुला की, और बैक माइनर और लिवेटर स्कैपुली विद रेम्बॉइड्स ये आपकी जो स्कैपुला है उसकी डाउनवर्ड रोटेशन भी कराता है। तो ये मसल ऑफ द स्कैपुला है जो डिफरेंट मूवमेंट स्कैपुला की वजह से पॉसिबल है। नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक दैट इज लोअर ऑन द शोल्डर जॉइंट। होपफुली सबको स्कैपुलर हिमोडिज्म जो है वो क्लियर है। किसी को प्रॉब्लम इसमें? No, अब हम बात करेंगे लोअर्स ऑन द शोल्डर जॉइंट। आप लोगों ने बात ये जो लोअर्स हैं, सॉरी, इनके बारे में पहले पढ़ा होगा कि आपकी जो अपने मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है और एडिशनली अगर आप कोई वेट उठा लेते हैं तो ये सारी चीजें आपकी जो शोल्डर है उसकी तरफ फोर्सेस को बढ़ा सकते हैं। बेसिकली जो फोर्स का इंक्रीज होना है शोल्डर जॉइंट के ऊपर उसको हम कहते हैं कि वो लोअर्स हैं। तो लोड्स जो हैं वो किन पोजीशंस में ज़्यादा हो सकते हैं, लोड्स को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, जब आप हाथ में कुछ उठाते हैं तो किस तरह से मस्कुलर एक्शन जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं और आपके जॉइंट की तरफ जो कंप्रेसिव फोर्सेस हैं उनको डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, आप लोगों ने पढ़ा था कि ये जो सारे आपस के जॉइंट्स हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, एब्डोमिनोक्लेविकुलर जॉइंट, ग्लेनोहुमेरल जॉइंट, स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट, क्योंकि ये शोल्डर गर्डल की जितने भी आर्टिकुलेशन हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं, तो ये समहाउ एक यूनिट की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये सारा एक यूनिट है, ये शोल्डर गर्डल पूरा एक यूनिट बन गया क्योंकि ये सारी जो आर्टिकुलेशन हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये एक्ट करती हैं एक यूनिट की तरह ताकि ये शॉक्स को एब्जॉर्ब कर सके, ताकि अगर जो लोड्स बढ़ रहे हैं हमारे शोल्डर ज्वाइंट के ऊपर उनको बियर कर सके। तो ये सारे जो हमारे ज्वाइंट्स हैं ये मिलकर काम करते हैं। ग्लेनोहुमेरल जॉइंट वो वाहिद जॉइंट है जो जो के डायरेक्ट मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, ये सिर्फ ये जॉइंट है और इसके आगे एल्बो जॉइंट है आपका, आपके रिस्ट जॉइंट है, आपके फिंगर्स हैं, आपका फोर आर्म का वेट है। तो ये वाला जो जॉइंट है ग्लेनोहुमेरल जॉइंट, ये डायरेक्ट मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है आपके पूरे आर्म को, तो इस वजह से ये ज्यादा लोड बेयर करता है एज कम्पेयर टू अदर जॉइंट। ये एब्डोमिनोक्लेविकुलर जॉइंट से डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है आपके एल्बो की या बाकी चीजों की, ये जो ग्लेनोहुमेरल जॉइंट है ये ज्यादा आप कहें कि ये इसके ऊपर ही सारा कुछ आ रहा है, ये ही डायरेक्ट मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है आपके अपेंडिजेस को, क्योंकि अपेंडिजेस इसके साथ कनेक्टेड है। फिर ये आगे से चाहे बाकी जॉइंट्स के साथ इसके कनेक्शन हैं, लेकिन पहली सपोर्ट ये है ग्लेनोहुमेरल जॉइंट। ठीक है, तो ज्यादातर जो लोड्स हैं वो आपके शोल्डर जॉइंट को बेयर करने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू एब्डोमिनोक्लेविकुलर जॉइंट, एज कम्पेयर टू स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, एज कम्पेयर टू स्कैपुलोथोरेसिक, एज कम्पेयर टू क्रैनियोक्लेविकुलर। ठीक है, तो जब भी हम लोड्स की बात करते हैं शोल्डर गर्डल के ऊपर तो मोस्टली हम शोल्डर जॉइंट को देखते हैं क्योंकि ये पहली पहली चीज है। अच्छा, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास के बारे में। आप लोगों ने पढ़ा है कि पूरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आपकी जो नेवल है या जो आप कहें कि एस्टुवर्टिब्रा है वहां पे लाई करता है। ठीक है, कि उस पॉइंट के गिर्द आपकी पूरी बॉडी जो है वो रोटेट कर सकती है। आप लोगों ने पहले चीजें पढ़ी है। तो जब भी हम किसी भी बॉडी का अफेक्ट देखते हैं बॉडी पोजिशनिंग का, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसका जो वेट है, उसका जो पूरा वेट है वो उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लाई करता होगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं हमारी जो पूरी बॉडी है जब हम इरेक्ट स्टैंडिंग में होते हैं तो हमारी जो सैक्रल वर्टिब्राज हैं तो उसी के ऊपर हमारे जो पूरी बॉडी का वेट है जी वो एक्ट कर रहा है। तो इसी तरह से जब मैं अगर शोल्डर जॉइंट की बात करूंगी तो शोल्डर जॉइंट में अगर मेरा आर्म है तो मेरे आर्म का जो मिड पॉइंट होगा ऑब्वियस बात है मैं उसको अपना सेंटर ऑफ मास लूंगी। मैं ये बात करूंगी कि मेरे पूरे जो आर्म का वेट है वो मेरे उस सेंटर ऑफ मास के ऊपर लग रहा है, उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर लग रहा है। ठीक है, ये डायरेक्टली हम यहाँ जाते हैं ताकि आपको वो चीज देखें। ये मेरा शोल्डर है, ठीक है, मेरा शोल्डर जॉइंट है, मेरा आर्म है, तो उसका मिड पॉइंट मैं लूंगी एज सेंटर ऑफ मास। ठीक है, कि मेरा जो पूरी आर्म का वेट है वो मेरे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर या सेंटर ऑफ जो मेरा मास है उसके ऊपर लाई कर रहा होगा। चाहे मैं अपनी जो एबडक्शन से इसकी एबडक्शन लेस कर दूं, ठीक है, लेकिन क्या होगा, रहेगा तो वही सेम पॉइंट जो मिड का पॉइंट है जिसको मैंने एनालाइज किया है एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसी तरह से चाहे ये वाली पोजीशन है जिस फर्स्ट वन, ठीक है, इसमें भी मेरा जो सेंटर ऑफ
ग्रेविटी है वो सेम रहेगा। ये वाली चीज मैं आपको समझा रही हूँ कि जब हम खड़े होते हैं रेक्ट स्टैंडिंग में, तो उस टाइम पे जैसे हमारी बॉडी का S2 वर्टिब्रा के पास है, इसी तरह से अगर मैं अपना आर्म ले रही हूँ और मेरे आर्म का जो मिड पोर्शन होगा, जो मिड पॉइंट होगा, वो बेसिकली मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है। The moment arm for the entire arm segment with respect to shoulder is therefore the perpendicular distance between the weight vector and the shoulder. ये बात क्या है? आप लोगों ने moment arm के बारे में पढ़ा होगा, आप लोगों ने levers के बारे में पढ़ा होगा, आप लोगों ने loads के बारे में पढ़ा होगा, fulcrum होता है, effort होता है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई। अब अगर मैं आर्म को ले रही हूँ, मैंने ये ले लिया वेट, ठीक है, और ये है मेरा शोल्डर जॉइंट, ठीक है, और ये शोल्डर का यहाँ से एफर्ट लग रही है मसल्स, शोल्डर एक्ट कर रहा है एज फल्क्रम, शोल्डर के ऊपर के जो मेरे मसल्स हैं वो एक्ट कर रहे हैं एफर्ट, ठीक है, वो मसल्स जो फोर्स लगा रहे हैं उनके एफर्ट है, और ये लोड है। तो ये जब एफर्ट बीच में होता है तो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा बाइन में कि इट्स अ थर्ड ऑर्डर लीवर, इसमें मैकेनिकल डिसएडवांटेज आता है जब एफर्ट बीच में हो जाता है। अच्छा खैर, हम एफर्ट को छोड़ते हैं, हम फिलहाल मोमेंट आर्म की बात करें। हम ये कहते हैं कि जो हमारा मोमेंट आर्म है वो बेसिकली क्या है? मोमेंट आर्म जो होता है ये प्रोडक्ट ऑफ आर्म वेट है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर्म के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से और शोल्डर से। क्या मतलब? ये वेट है, ठीक है, और ये आपका जो है मोमेंट आर्म, इन दोनों का आपस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म। जैसे इस पोजिशन में अगर हम बात करेंगे तो हमने ये बात की कि हमारा जो वेट है दैट इज 35, ठीक है, और आपका ये जो डिस्टेंस है जिसको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो एफर्ट है वो यहाँ पे लग रही है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आर्म वेट का, ठीक है, वेट ऑफ द आर्म का, आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ उसको आप कहते हैं दैट इज बेसिकली अ मोमेंट आर्म। तो इस केस में जो मोमेंट आर्म है दैट इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी कि मोमेंट आर्म क्या है। मोमेंट आर्म बेसिकली जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, कि आर्म की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और शोल्डर तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको हम कंसीडर करते हैं एज मोमेंट आर्म। अब मोमेंट आर्म जो है उसको पढ़ना क्यों जरूरी है और हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसको हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ टॉर्क। टॉर्क बेसिकली क्या है? आप इसे कोई डिफाइन कर सकता है? टॉर्क को बायोमैकेनिक्स 1 में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा या पहले फिजिक्स में इसको पढ़ा है कि बेसिकली टॉर्क क्या होता है। टर्निंग इफेक्ट जो है फोर्स का उसको हम कहते हैं टॉर्क, कि आप फोर्स लगा रहे हैं और रोटेशनल मूवमेंट को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो टर्निंग जो इफेक्ट आता है फोर्स का उसको आप कहते हैं टॉर्क है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टॉर्क जो है वो इक्वल्स होता है आपके जो फोर्स है और फोर्स कितने डिस्टेंस से लग रही है, कि जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा टॉर्क उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है, और जितना डिस्टेंस कम होता जाएगा टॉर्क उतना कम हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ, ठीक है। और टॉर्क जो है ये भी एक फोर्स है, तो इसको हम न्यूटन मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम अपनी जो फोर्स का न्यूटन है, ठीक है, और साथ में इसके जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम मीटर के फॉर्म में करते हैं, तो टॉर्क का जो यूनिट है दैट इज न्यूटन मीटर। अब ये है आपके सामने टॉर्क एग्जाम्पल है, जैसे मैंने अभी कहा कि टॉर्क जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, लेकिन आपकी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो टॉर्क है वो बढ़ जाता है, लेकिन टॉर्क जो है वो फोर्स पे भी डिपेंड करता है। डिस्टेंस कम होगा तो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो कम फोर्स लगानी पड़ेगी। ये चीजें, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे। तो आपके सामने ये डायग्राम है, ठीक है, ये आप कहें कि पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टर्निंग इफेक्ट को क्रिएट करना है, ठीक है। अब टर्निंग इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए आपने ये बात की कि जो टॉर्क है दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब हमने यहाँ देखा कि डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस तो 1 मीटर का है, डिस्टेंस कम हो गया तो इसका मतलब है फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हमने 20 न्यूटन की फोर्स लगाई है और 1 मीटर डिस्टेंस है तो फिर हमारा जो टॉर्क है वो न्यूटन मीटर्स है, ठीक है, 20 न्यूटन मीटर्स आ गए, क्योंकि 20 × 1 = 20। अब हमने क्या किया है कि हमने डिस्टेंस को बढ़ा दिया। जब आप डिस्टेंस ज्यादा कर देते हैं तो फोर्स कम लगानी पड़ती है, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ कि आपकी जो फोर्स थी वो कम हो गई है और डिस्टेंस ज्यादा हो गया है, तो इस केस में आपका जो टॉर्क आएगा वो भी 20 न्यूटन आएगा। तो इसका मतलब ये है
कि जब फोर्स ज्यादा लगाना, डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स ज्यादा लगानी पड़ती है टॉर्क क्रिएट करने के लिए, और अगर आपका डिस्टेंस कम होता है, ठीक, डिस्टेंस ज्यादा होता है सॉरी, तो उस केस में फोर्स कम लगानी पड़ती है। तो ये एग्जाम्पल है टॉर्क। अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा रिक्वायर्ड है मैकेनिकल एडवांटेज लेने के लिए, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम रिक्वायर्ड। ठीक है, होपफुली ये चीज आपको पहले से क्लियर है। हमने बेसिक बात करनी है शोल्डर ज्वाइंट के ऊपर लोड। अब शोल्डर जो है ये हमने पहले बात कर ली थी कि ये ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, इस वजह से इसके ऊपर ज्यादा लोड आते हैं एज कम्पेयर टू अदर शोल्डर ज्वाइंट, कि बाकी के जो शोल्डर ज्वाइंट है उनके ऊपर ज्यादा लोड नहीं आते। अब इसमें जो बात लिखी हुई है कि हॉरिजॉन्टली एक्सटेंडेड आर्म क्रिएट्स लार्जर टॉर्क एट शोल्डर देन फ्लेक्स्ड आर्म। पीछे डायग्राम से हमें समझ आ गई कि अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसका मतलब है टॉर्क ज्यादा लगेगा, अगर डिस्टेंस कम होगा तो टॉर्क कम हो जाएगा। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन के मसल्स को कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। वो ये कहते हैं कि जब मैंने आर्म को एक्सटेंड किया है तो एक्सटेंडेड आर्म ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू फ्लेक्स आर्म, कि मैं अपना जो एल्बो है उसको फ्लेक्स कर दूं। अब टॉर्क जो है ये रोटेशनल इफेक्ट देता है, ठीक है, हमारी जो मसल्स हैं या हमारे जो जॉइंट्स हैं इनको नीड नहीं है कि इनके ऊपर जो है वो रोटेशनल इफेक्ट आए। जब हम नॉर्मल, जैसे मैं फ्लेक्शन परफॉर्म कर रही हूँ तो मुझे रोटेशन उस तरह से जरूरत नहीं है। रोटेशनल टॉर्क जो है वो स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने अगर आर्म एक्सटेंड किया हुआ है और लार्जर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो मेरे जो शोल्डर के मसल्स हैं उनको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी टू काउंटर दैट टॉर्क। उस टॉर्क को काउंटर करने के लिए इनको जब ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी तो मेरे शोल्डर ज्वाइंट के ऊपर लोड्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि मेरे मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो मेरे ज्वाइंट की तरफ कंप्रेसिव फोर्सेस को डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टली एक्सटेंडेड आर्म जो है वो लार्जर टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू फ्लेक्स्ड, और लार्जर टॉर्क को काउंटर बैलेंस करना पड़ता है शोल्डर मसल्स को। किस तरह से, मैं अभी आपको समझाती हूँ। हमने अभी बात की थी कि वेट ऑफ द आर्म जो है वो आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, हमने वो भी पार्ट ले लिया, और उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारी एफर्ट से, ठीक है, उसको हम कहते हैं दैट इज मोमेंटम। अब फोर्स हो गई, ठीक है, उसको हमने न्यूटन में कहा वो वेट है, ठीक है, दैट इज 35, और उसके बाद जो डिस्टेंस है वो हमारा 30 सेंटीमीटर था, तो हमने 35 को 30 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो जी हमारा टॉर्क आ गया। अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप जो है वो कम करते जा रहे हैं डिस्टेंस, ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस जो है वो कम हो गया, वेट तो सेम था, ठीक है, वेट जो है वो आपका 35 है। अब इस केस में क्या है, अगर मैं ये पॉइंट लूँ, दिस वन इज ए पॉइंट, ए में मोमेंटम क्या है, जीरो है, क्योंकि कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है दोनों के दरमियान। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो मोमेंटम होता है। अब इस केस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, जिसको आप मैं डिस्टेंस कहा था, वेलोसिटी, वो जीरो है, ठीक है, और चाहे न्यूटन जितना मर्जी भी हो, 35 न्यूटन की फोर्स, 35 को आपने जीरो से मल्टीप्लाई किया ऑटोमेटिकली दैट इज जीरो, क्लियर हो गया। इसी तरह से जो आपका यहाँ पे है दैट इज बी, बी पॉइंट जो है उसका 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस था परपेंडिकुलर, और उसको आपने जब 35 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 700। इसी तरह से आपका जब 35 को आपने 30 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया दैट इज 1050, तो इसका मतलब ये हुआ जितना ज्यादा डिस्टेंस होता है, ठीक है, उतना ज्यादा टॉर्क जनरेट होता है। जितना ज्यादा टॉर्क जनरेट होता है उतना ही ज्यादा आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है ताकि काउंटर बैलेंस किया जा सके आपके जो टॉर्क है उसको, और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो कंप्रेसिव फोर्सेस जो है उनको डायरेक्ट करेंगे। अब ये जो है वो कंपैरिजन हो गया कि अगर हमारा शोल्डर एक्सटेंडेड हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टली जो अबडक्टेड आर्म है, या फिर फ्लेक्स हो, तो उस केस में किस तरह से हमारा जो टॉर्क है वो अफेक्ट होता है। सिंपल सी बात है, डिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये कॉमन सेंस है। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो अपर आर्म है इसका वेट है 20 न्यूटन, और ये जो हमारा फोर आर्म और हैंड का जो वेट है दैट इज 15 न्यूटन। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि ये जो अगर हम शोल्डर टॉर्क ए की बात करें, ठीक है, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी, यहाँ पे मेंशन है। अब हम बात कर रहे हैं ए, ए में हमने क्या कहा कि हमारी जो वेट है, ठीक है, अपर आर्म का दैट इज 20, और अपर आर्म का जो डिस्टेंस है यहाँ तक का दैट इज 15, उसको हम प्लस कर देंगे जो हमारा फोर आर्म का वेट है दैट इज 15, और उसके बाद जो डिस्टेंस को कवर कर रहा है दैट इज 30 सेंटीमीटर।
तो इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं, जैसे इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 into 15 और यहाँ पे 15 into 30, और फिर दोनों को जब प्लस करेंगे दैट इज 750। कब की बात हो रही है? जब हम हॉरिजेंटली हमारा जो है वो अबडक्टेड है। नेक्स्ट वन क्या है? बी बी ये है कि जब हमने इसको फ्लेक्स कर लिया, तो जब मैंने इसको फ्लेक्स किया वेट तो सेम रहा, अपर आर्म पर जो वेट है दैट इज 20 और जो मेरा डिस्टेंस था यहाँ पे जो कवर हो रहा था दैट इज 15। इसी तरह से जो मेरा फोर आर्म का वेट है दैट इज 15 और डिस्टेंस जो है वो यही कवर हो रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस है दैट इज 15। तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस के कम होने से जो टॉर्क था वो कम हो गया। जब टॉर्क कम होगा तो ऑटोमेटिकली मेरे मसल्स को कम फोर्स लगानी पड़ेगी जो कम टॉर्क है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए। तो ये सारी वही चीज है, ठीक है, कि ये हमारा वेट है, मैं हाथ में यहाँ पे बेसिक कुछ उठा लूँ या ऑटोमेटिकली मैंने बात कर ली कि ये जो है हॉरिजॉन्टली एक्सटेंडेड आर्म है और ये जो है वो मेरा फ्लेक्स आर्म है। तो उसके केस में किस तरह से जो मेरे टॉर्क है उसको किस तरह से अफेक्ट करेगा, ठीक है, कि पॉइंट ए में जो टॉर्क था दैट वाज 750 और जो पॉइंट बी है उसमें ऑटोमेटिकली 525 हो गया। तो ये नॉर्मल आप कहें कि एक कॉन्सेप्ट है शोल्डर के मामले में। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमने अब एक्सटेंडेड आर्म रखा है तो मेरे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है कि उसको सपोर्ट करे, क्यों, क्योंकि उसने जो रोटेशनली टॉर्क जनरेट हो रहा है मेरे शोल्डर ज्वाइंट के ऊपर उसको काउंटर बैलेंस करना है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि ये वाली सारी चीजें जो है ये क्या करती हैं, ये आपकी जो शोल्डर है उसकी तरफ जो है वो आपकी जो कंप्रेसिव लोड्स हैं उनको बढ़ा देते हैं, ठीक है। हालांकि जो वेट ऑफ द आर्म है वो सिर्फ अप्रोक्सीमेटली जो है वो 5% है आपके बॉडी वेट का, लेकिन ये जो एक्सटेंडेड आर्म है इतना ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है कि उसकी वजह से आपके जो मसल्स हैं उनको बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कंप्रेसिव फोर्सेज जनरेट होती हैं। कंप्रेसिव फोर्सेज जो है जब जनरेट होंगी तो ये आपके जो जो शोल्डर ज्वाइंट है उसकी तरफ डायरेक्ट होगी, ठीक है, क्योंकि ये वाले मसल जो है आपके ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
हेलो यस मैम बता रही है बात हो रही है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आई डोंट नो क्या इशू है कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया सबको क्लियर है वॉइस अब ठीक है यस मैम जी स्क्रीन शो हो रही है इससे पहले वाला सबने सुना है या बीच में डिस्टॉर्शन हो गई थी बीच में डिस्टॉर्शन हो गई थी मैम लास्ट स्लाइड से दोबारा से करूं इसको इससे पहले ये यहाँ तक तो सबको क्लियर है या प्रॉब्लम है किसी को क्लियर है यहाँ तक सबको यस मैम ठीक है मैम सिंपल ये बात है कि जब हम एक्सटेंडेड आर्म में होते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं उनको हमारे एक्सटेंडेड आर्म को सपोर्ट करने के लिए जो है एक्सटेंडेड आर्म को सपोर्ट करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है ठीक है अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो जॉइंट की तरफ जो कंप्रेसिव फोर्सेज हैं उनको डायरेक्ट कर देते हैं अब जब वो जॉइंट की तरफ कंप्रेसिव फोर्सेज को डायरेक्ट करते हैं तो ऑब्वियस बात है कि हमारे जो लोड्स हैं शोल्डर के ऊपर वो इंक्रीज कर जाते हैं ठीक है हमारे एबनॉर्मल फोर्सेज बढ़ जाती हैं तो जब हम एल्बो को फ्लेक्स कर लेते हैं मैक्सिमली तो क्योंकि मोमेंट आर्म शॉर्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो लोड्स हैं शोल्डर जॉइंट के ऊपर वो कम हो जाएंगे क्यों क्योंकि कंप्रेसिव फोर्सेज जो हैं अब वो कम हो गई हैं ठीक है तो इसी वजह से हमारी जो आप लोग नॉर्मली देखते होंगे कि जो वर्कर्स होते हैं जो डेस्क पे या टेबल्स पे काम करते हैं तो नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं कि आर्म रेस्ट हो आपने उनके ऊपर जो है वो हैंड्स को प्लेस किया हुआ हो या फिर आप जो है वो अपने शोल्डर अगर आर्म रेस्ट नहीं है तो इस तरह से काम करें जैसे आप लैपटॉप्स पे काम कर रहे होते हैं या उसके ऊपर पीसीज के ऊपर तो आप कोशिश आप देखते हैं कि जो एल्बो है वो फ्लेक्स होती है एल्बो को हम इसीलिए फ्लेक्स कराते हैं एर्गोनॉमिक्स इसीलिए रिकमेंड करते हैं कि वर्कर्स जो हैं वो अपनी एल्बो को फ्लेक्स रखें क्यों ताकि मोमेंट आर्म जो है वो कम हो जाए जब मोमेंट आर्म कम होगा तो ऑटोमेटिकली जब मोमेंट आर्म कम होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा ठीक है हमने भी क्या बात की कि जब आप आर्म एक्सटेंड करते हैं तो आर्म के एक्सटेंड होने से आपके जो मसल्स हैं उन्होंने आर्म को एक्सटेंडेड पोजीशन में जब रखना होता है तो उनका वर्क बढ़ जाता है जब उनका वर्क बढ़ेगा तो दाही बात है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कंप्रेसिव फोर्सेज जो हैं वो बढ़ जाएंगी कंप्रेसिव फोर्सेज जॉइंट की तरफ जब डायरेक्ट होंगी तो ऑब्वियस बात है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है इंजरीज हो सकती हैं इन्फ्लामेशन हो सकती है हमारे जो वहाँ पे डिफरेंट मसल्स अटैच्ड हैं तो इसीलिए जब आप फ्लेक्स कर देते हैं अपने शोल्डर को तो उस केस में एल्बो को अगर आप फ्लेक्स कर लेते हैं सॉरी तो उस केस में जो मोमेंट आर्म है वो कम हो जाएगा जब डिस्टेंस कम हो जाएगा तो रोटेशनल जो फोर्सेज हैं वो जॉइंट के ऊपर कम हो जाएंगी जब रोटेशनल फोर्सेज जॉइंट के ऊपर कम होगी तो जो हमारे मसल्स हैं उनको लेस फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ेगी ठीक है तो इसी वजह से जो एर्गोनॉमिस्ट हैं वो रिकमेंड करते हैं कि जब भी आप डेस्क पे बैठे हैं या टेबल आप यूज़ कर रहे हैं आप कोई पीसी यूज़ कर रहे हैं आप कोई लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में अपनी जो आर्म की पोजीशन है उसको फ्लेक्शन में रखा जाए आप लोग देखते होंगे टेबल टेनिस खेलते हुए भी फ्लेक्शन में होता है ठीक है कि आपने जो अपनी एल्बोज है उनको फ्लेक्शन में रखना है एल्बोज को जब आप फ्लेक्शन में रखते हैं तो ये चीज़ जो टॉर्क है जो रोटेशनल इफेक्ट है फोर्स का उसको मिनिमाइज कर देती है आपके ज्वाइंट के ऊपर ठीक है अच्छा वर्कर्स हु आर रिक्वायर्ड टू होल्ड द आर्म इन अ सस्टेन्ड पोजीशन ओवरहेड आर पर्टिकुलरली सस्टेनेबल टू डीजनरेटिव टेंडिनाइटिस इन द बाइसेप्स एंड सुप्रास्पाइनेटिस ठीक है वो लोग जिनका काम इस तरह का है कि उन्होंने अपने जो आर्म्स हैं उनको ओवरहेड रखना है ठीक है तो उनमें चांसेस होते हैं क्योंकि ओवरहेड जब वो रखते हैं तो एक्सटेंडेड पोजिशन में है जब एक्सटेंडेड पोजिशन में है तो उस टाइम पे जो फोर्सेज हैं वो ज़्यादा लगती हैं तो ज़्यादा फोर्सेस की वजह से जो इन्फ्लामेशन हैं वो हो सकती हैं डीजनरेशन हो सकती है टेंडन्स की जैसे कि बाइसेप्स और सुप्रास्पाइनेटस जो है वो इसमें मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं अच्छा इसके अलावा जो शोल्डर के लोड्स हैं उनमें क्या बात है हमने लास्ट लेक्चर में भी एक बार डिस्कस की थी कि आपके जो रोटेटर कफ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं आपके जो ह्यूमरस है उसको ग्लेनॉइड कैविटी की तरफ लेके जाते हैं ताकि स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो और हमने देखा था कि डेल्टॉइड जो है वो अपवर्ड उसका जो एरो था वो अपवर्ड जा रहा था जैसे अगर आप इस डायग्राम से देखें तो सिंपल सी बात क्या है इसमें इसके पीछे एक रूल ये है
कि वो मसल्स जो ह्यूमरस के साथ अटैच होते हैं स्मॉल एंगल्स पे विद रिस्पेक्ट टू ग्लेनॉइड फोसा, तो वो लोग जो है वो ज्यादा शेयर फोर्सेस जनरेट करते हैं एज कम्पेयर टू कंप्रेसिव फोर्सेस. अगर आप सामने देखें तो ये शेयर फोर्सेस हैं, ठीक है. ऑपोजिटली जो फोर्सेस एक्ट करती हैं दे आर कॉल्ड एज द शेयर फोर्सेस, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है. आप लोगों ने नी के केस में भी इसको पढ़ा होगा लोअर लिम में इन द बायोमैकेनिक्स वन. अब वो मसल्स जो कि क्लोजर अटैच होते हैं जो स्मॉल एंगल्स में अटैच होते हैं वो शेयर फोर्सेस लगाते हैं. वो मसल्स जो लार्जर एंगल्स पे अटैच होते हैं मोस्टली वो कंप्रेसिव जो फोर्सेस हैं उनको लगाते हैं. तो अब ये मसल्स जो स्मॉलर एंगल्स पे अटैच होते हैं इनका मेन काम जो है वो स्टेबलाइजेशन को प्रोवाइड करना है ह्यूमरस की. तो जैसे हमने बात की थी कि जब हमारे रिटक ऑफ मसल्स जो हैं ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी जो शोल्डर है उसको ये स्टेबलाइज कर देते हैं, ठीक है. ये हमारे डायनामिक स्टेबलाइजर्स हैं, हमारे जो डेल्टॉइड है और जो बाकी हमारे सिट्स हैं जो जिनको हम कहते हैं रोटेटर कफ के हमारे जो मसल्स हैं. तो अब क्या होता है कि जब भी हमारा आर्म एलिवेट होता है तो उस केस में जो डेल्टॉइड है और जो रोटेटर कफ मसल्स हैं एक दूसरे के साथ काम करते हैं. किस तरह से कि डेल्टॉइड जो है वो अपवर्ड शेयर फोर्स करता है और उस अपवर्ड शेयर फोर्स को काउंटर बैलेंस करते हैं हमारे रोटेटर कफ के मसल्स. जैसे ये जो जब हम ह्यूमरस की एलिवेशन कर रहे हैं तो डेल्टॉइड जो है ये अपवर्ड एक फोर्स लगा रहा है. अगर सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस और टेरिस माइनर ठीक ना हो, एफिशिएंटली काम ना करें तो आपका जो शोल्डर है वो डिसलोकेट हो जाएगा क्योंकि इस पर सिर्फ अपवर्ड शेयर फोर्स लग रही है. तो स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप आर्म को एलिवेट करते हैं और डेल्टॉइड जो है वो अपवर्ड शेयर फोर्स लगा रहा है तो उसको काउंटर बैलेंस करते हैं हमारे ये रोटेटर कफ के मसल्स. और दोनों फोर्सेज ये अपर लगा रहा है ये डाउनवर्ड लगा रहा है, दोनों एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं और जॉइंट जो है वो स्टेबल रहता है, ठीक है. फॉर एफिशिएंट फ्लेक्शन और अबडक्शन ऑफ द आर्म द डेल्टॉइड मसल एंड द रोटेटर कफ वर्क टुगेदर इन द अर्ली स्टेज ऑफ अबडक्शन एंड फ्लेक्शन थ्रू 90 degrees द रोटेटर कफ अप्लाइज अ फोर्स टू द ह्यूमरल हेड दैट कीप्स द हेड डिप्रेस्ड एंड स्टेबलाइज इन द जॉइंट व्हाइल द डेल्टॉइड मसल अप्लाइज अ फोर्स टू एलिवेट द आर्म, ठीक है. दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं एफिशिएंट फ्लेक्शन अबडक्शन के लिए. डेल्टॉइड जब अपवर्ड शेयर फोर्स लगा रहा होता है तो सुप्रास्पाइनेटस या आपके जो बाकी रोटेटर कफ के मसल्स हैं ये डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं ताकि हेड जो है वो उसमें स्टेबलाइज रहे और स्टेबलाइजेशन जो है वो कंटिन्यू रहे, स्टेबलाइजेशन जो है उस पर कोई अफेक्ट ना हो. अब बात यह आती है कि ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट में मैक्सिमम शेयर फोर्सेस कब जनरेट होती है. रिसर्च पीस ये चीज़ है कि जब आपकी जो मैक्सिमम शेयर फोर्सेस हैं ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट में वो उस टाइम पे प्रेजेंट होती हैं जब आपका आर्म एलिवेट होता है 60 degree तक. जब अप्रॉक्सीमेटली 60 degree तक आपका जब आर्म एलिवेट हो जाता है तो मैक्सिमम जो शेयर फोर्सेस हैं वो उस टाइम पे एक्ट करती है, ठीक है. ये जो आपके सामने डायग्राम है एक ये इन्हीं फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रही है कि जब भी आप अबडक्शन करते हैं ह्यूमरस की तो इसमें कोऑपरेटिव जो एक्शन है वो रिक्वायर्ड है आपके डेल्टॉइड का और रोटेटर कफ का, कि आपके जो डेल्टॉइड हैं वो अपवर्ड शेयर फोर्स लगा रहे हैं और जो रोटेटर कफ मसल्स हैं वो डाउनवर्ड शेयर फोर्सेस लगा रहे हैं. तो ये नॉर्मल बायोमैकेनिक्स है आपके शोल्डर जॉइंट की, ठीक है. तो आज बेसिकली हमने क्या पढ़ा, शोल्डर जॉइंट पे कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, यानी कि कौन कौन से मसल्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे उन मूवमेंट्स के लिए. इसके अलावा लोड्स क्या है और स्कैपुलोह्यूमरल रिथम जो है वो क्या होता है. किसी को इसमें से कोई प्रॉब्लम है तो वो अभी भी क्वेश्चन रेज कर सकता है. सबको क्लियर है ये सारी चीजें? यस मैम. यस मैम. किसी का प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? अच्छा मुझे बताएं ये कौन सा मसल है, ये जो आपके सामने अभी डायग्राम है ये कौन सा मसल है? लिवेटर स्कैपुला है जी, ये लिवेटर स्कैपुली है जो सामने अटैच है जो आपकी जो एलिवेशन है स्कैपुला की उसको परफॉर्म कराता है. ये कौन सा मसल है? मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से कौन से मसल्स निकलते हैं? मैम रोम्बॉइड. रोम्बॉइड मेजर एंड माइनर. यस मैम. ये जो सामने आपके मसल है ये कौन सा मसल है? पेक मेजर है. मेजर माइनर. पेक मेजर है. इसके टू एंड होते हैं स्टर्नल एंड एंड द क्लेविकुलर एंड. क्लेविकुलर क्लेविकल से निकल रहा है और सामने जो स्टर्नम है वहां से आपका जो निकलता है मसल दैट इज कॉल्ड एज पेक मेजर. ये कौन सा मसल है?
सबस्कैपुलरिस, बिकॉज ये सबस्कैपुलर फोसा है और सबस्कैपुलर फोसा से जो मसल निकलता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज सबस्कैपुलरिस मसल. ये तो नाम उसका ऊपर मेंशन है, दैट इज टीरीज मेजर, और इससे ऊपर से जो निकलता है लैटरल बॉर्डर से दैट इज टीरीज माइनर. ठीक है, और टीरीज माइनर जो है वो आपके रिटर कफ का मसल है. ये सारे आपके रिटर कफ के मसल्स हैं. ठीक है, अबव द स्पाइन दैट इज इंफ्रास्पाइनेटस, बिलो सॉरी सुप्रास्पाइनेटस, अबव बिलो जो है दैट इज इंफ्रास्पाइनेटस. लैटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से दो मसल्स निकलते हैं, ऊपर जो है दैट इज माइनर और जो नीचे है दैट इज टीरीज मेजर. जो आपके थोरेसिक वर्टिब्रास हैं, ठीक है, जो लास्ट वाली है और साथ में लंबर से जो मसल निकलता है दैट इज लैटिसमस डोर्साई, जो आके आपके ह्यूमरस के ऊपर जो है वो अटैच हो जाता है. ये आपका सबस्कैपुलरिस मसल है जो सबस्कैपुलर फोसा से जो है वो निकलेगा. कोई ऐसी चीज जो इसमें आपको नहीं समझ आई तो प्लीज आप क्वेश्चन रेज कर लें. सबको क्लियर हो गया मोमेंट आर्म का? ये चीजें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, टॉर्क क्या होता है और किस तरह से ये जो शोल्डर है उसके ऊपर लोड्स को मिनिमाइज किया जा सकता है. सबको क्लियर है ये? हेलो. यस मैम, क्लियर है. यस मैम. ठीक है बेटा, मैं फिर इसको लीव कर रही हूँ क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास है 1 बजे, तो मैंने उसके लिए लिंक भेजना है. आप लोगों के जो मेरे जो काउंसलिंग आर्ट्स हैं और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो आप LMS अपना चेक कर लें. LMS पे अपडेटेड है हर चीज़, और जो लास्ट लेक्चर था वो भी LMS पे अपडेटेड था. यूट्यूब पे चीज़ें अपलोड नहीं हो रही, वो कोई एरर दे रहा है, सबके साथ ही ऐसे हो रहा है. तो मैं उसको 1-2 दिन में दोबारा से ट्राई करूँगी, अदरवाइज फिर मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक भेज दूँगी. ठीक है, जो भी आपके लेक्चर की रिकॉर्डिंग है उसके लिए. थैंक यू मैम. मैं LMS पे डाल दूंगी लेकिन वो फिर गूगल ड्राइव के थ्रू ही आपके खुलेंगे वो. ठीक है. ओके मैम. ओके, अल्लाह हाफिज़.